हाय रिंकू. हाय रिविया. मुझे तुमसे कुछ पूछना था. पूछो पूछो. क्या तुम्हें ये इंफ्रारेड रेज, ओजोन रेज या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में कुछ पता है? ऑफ कोर्स पता है. मैंने तो इसके बारे में पूरी रिसर्च कर रखी है. आपको कुछ जानना है? आई एम सॉरी टू से यार रिंकू, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर तुझे पता होता ना तो तू ये चीप चश्मे नहीं पहनता. चीप? हाँ, यू डोंट नो. ये चीप चश्मे तुम्हारी आंखों को किसी भी तरह की रेस से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. हाँ, मैंने भी वैसा बोला था उस उठली को, लेकिन इंटेलिजेंट बॉय की किसी को सुननी ही नहीं है. और मुझे नहीं जरूरत इन बकवास चश्मों की. वाह 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 रे. उठाओ. ए, ए, मुझे नहीं, चश्मा उठाओ. अरे इतना नीचे गया ये. अरे निकाल मुझे. अरे जल्दी दो. ये ना देखो जल्दी से. क्या? अरे दोबारा देख लो, तुम्हें तो ना हीरे की परख ही नहीं है. मैंने तो पहले ही कहा था ये चश्मा एकदम कचरा है. कचरा. सुदली. अरे मैं तो भूल ही गया था कि कोई मुझे देख ही नहीं सकता. लेकिन अगर सुदली ने वही चश्मा पहना है तो मुझे देख भी पाएगी और सुन भी पाएगी. अब अरे रुको 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 सुदली. मैं देबू भैया, तुम मुझे देख पा रही हो? सुदली. देबू भैया. ओह थैंक गॉड, एटलीस्ट सुदली मुझे देख पा रही है. अब सुदली ये सब इस चश्मे की वजह से हुआ है, तो मैं काम करूँ ये चश्मा मुझे दे दो. नहीं नहीं ये चश्मे को तोड़ दो. नहीं ये चश्मा विवान को दे दो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है. जाओ जाओ ये चश्मा विवान को दे दो. जाओ. सुदली तुम सुन पा रही हो ना मुझे? देवू भैया अब हम सबको छोड़ के क्यों चले गए? हम सब कितना मिस करते हैं आपको. ये चश्मा भी नकली था तो फिर आखिर वो चश्मा है का? तुम भयमार से छुप सकती हो परियों, लेकिन बचकर भाग नहीं सकती. आज ढूंढ निकालूंगा तुम्हें और बालवीर के शरीर के साथ तुम्हें भी काल जल में हमेशा के लिए समा दूंगा. काल नक्षत्र अपनी शक्तियों से जागृत करो इस दिव्य शक्ति यंत्र को. शौर्य का संदेश आया है कि दोनों बालवीरों को भूतकाल से वर्तमान में वापस लाने का जो समय चक्र है वो नहीं बदल सकती. इसका अर्थ ये है कि बालवीर के शरीर की सुरक्षा के लिए जो करना है वो हमें ही करना होगा.
ठीक है परियो, जब तक हमारे पास प्राण है हम बेमार से लड़ेंगे। लेकिन जब तक बालवीर विवान और अनन्या को लेकर वापस नहीं आता तब तक हमें बालवीर के शरीर को बेमार से बचा कर रखना होगा। पर ध्वनि परी, अगर बालवीर लौटा नहीं तो? उम्मीद का दूसरा नाम बालवीर है और जब तक ब्रह्मांड में बुराई का एक भी अंश मौजूद है बालवीर उसका नाश करने जरूर आएगा। जहाँ छुपना है छुप जाओ परियों, और वैसे भी इस जहाज पर बस मैं हूँ, तुम हो और बालवीर है। अगर उम्मीद बालवीर का नाम है तो उम्मीद तोड़ना भय मार का नाम है। आज ना ही हमारी उम्मीद टूटेगी और ना ही हमारी हिम्मत भयमार। टूटेगा तो तुम्हारा तिमनासा को जीवित करने का सपना। इससे पहले भयमार समरे हमें बालवीर के शरीर को कहीं और छुपा देना चाहिए। अरे हो 420। 120? अरे 420 तो आप हो। हमारे फ्रांस से मंगाया हुआ 1000 यूरो का चश्मा आपको 120 में चाहिए, जाओ नहीं मिलेगा। और ये लो अपने पैसे, ये ना पोड़े, ये लो चश्मा दे दो, नहीं तो नहीं तो आप हमारे पैर पकड़ोगे ना अंकल, यही कहना चाहते हो ना? मैं तुम्हारा पैर पकड़ता जी। चश्मा दे दो। चलो ठीक है, हम दे देते आपको चश्मा। सचिन जी, हाँ, पर अगले साल यही मिलना तब हम आपको दे देंगे। अरे इन गुब्बारों को मैं कैसे फोड़ू, कैसे बेवकूफ बना इन्हें। आयो ठीक है, मैं है ना चश्मे के बदले तुम दोनों को एक मस्त चुटकुला सुनाता जी। चुटकुला सुनोगे ना तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे जी। अच्छा, और अगर हम नहीं हंसे तो रे के सामने मुझे रोना पड़ेगा और क्या है? नहीं हंसे तो ये चश्मा भी और 120 रुपया दोनों तुम्हारा जी। हाँ, अब समझदारी वाली बात। अच्छा चलो सुनाओ। हाँ, आ जाओ इधर बैठो बैठो, तुम भी आ जाओ चिड़को। बैठ 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 बैठ। तो चुटकुला सुनाता हूँ। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, बताता हूँ। चिंटू रामू काका, हम दे बंगा, चल चिंटी। रामू काका चल चिंडी वहां ढूंढते हैं। हाँ। हो गया काम, मिल गए चश्मे, मिल गए चश्मे। इस बार नहीं भेगा। Thank you.
क्या भगवान जी, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? वो मुहावरा है कि हाथ आया और मुंह ना लगा, लेकिन यहाँ पे तो मेरे हाथ कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं क्या करूं? उन चश्मों में से कोई एक चश्मा असली हो सकता है। ये सूतली वाला चश्मा भी किसी काम का नहीं है। अरे सही काम वैसे भी होता है तुमसे, मतलब सही काम के लिए मैं हूँ ना। एक तरफ चिंटू चिंटी थी और दूसरी तरफ बैठा, लेकिन डरा नहीं मैं, मैं डरा नहीं, मैं चिंटू को ऐसे उठाया और चिंटी को मैंने ऐसे उठाइए पम 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 ऐसे गिरा दिया। फिर मैंने बोला लाओ बच्चों चश्मे दे दो, उन्होंने चश्मे दिए और मैं ये लेकर आया। चश्मे चश्मे, अब तो मिलेगा ना मुझे इनाम। रिवॉर्ड मिलेगा, पनिशमेंट तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये चश्मे दो। मैंने कहा था ना, दिख गया ना बालवीर। ये भी वो चश्मा नहीं है जो मुझे चाहिए। इसका मतलब वो आखिरी चश्मा आखिरी बच्चे के पास है, जिसके पास मुझे इन दोनों से पहले पहुंचना होगा। खुशी खुशी खुशी, बेखुशी कहां मरोगी? मुझे तुरंत उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कीड़े उस तक पहुंचकर वो चश्मा हासिल कर ले। खुशी देवू भैया, ज्यादा दिनों तक दूर रह ही नहीं सकते हो। आपको पता है हम सबने आपको कितना मिस किया, मम्मी दादाजी विवान सब कितना खुश होंगे आपको देखकर। मम्मी दादाजी विवान। अरे खुशी 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 शांत हो जाओ, देखो सबको बुलाने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुनो। अरे देवो भैया मैं सुन लूंगी आपकी बात, पर पहले मैं सबको बुला तो लूं, सब कितने खुश होंगे आपको देखकर। मम्मी अरे नहीं नहीं खुशी खुशी शांत हो जाओ, अब कोई देख पाएगा तभी खुश होगा ना। खुशी मैं तुम सबको छोड़कर भगवान जी के पास जा चुका हूं, मैं तुम्हारे सामने सच में नहीं हूं। क्या देवू भैया आप तो मेरे सामने खड़े हो, मैं समझ गई आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। अब खुशी तुम बैठो। अरे देवू भैया पर खुशी पहले बैठ जाओ प्लीज, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। खुशी ये सब सच है कि मैं अब हमेशा के लिए जा चुका हूं,
और ये जो मेरा रूप तुम देख रही हो, ये भगवान के पास जाने के बाद वाला रूप है। बस भैया, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो और आप जो भी कहो मैं मान लूँ। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, तो अपना ये चश्मा निकाल कर देखो। देवू भैया, मेरी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं है कि बिना चश्मे के मुझे कुछ भी ना दिखे। देवू भैया, आप तो सच में गायब हो गए। आप तो दिख रहे हो। और अब नहीं, कहाँ गए? देवू भैया सच में? मम्मी! खुशी, देखो देखो, किसी को बुलाओ मत, इतना शोर मत करो, हाँ, शांत हो जाओ। देवू भैया, कह दो कि आप मजाक कर रहे हो, ये चश्मा कोई मैजिक ट्रिक कर रहा है। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते भगवान जी के पास। लेकिन खुशी, यही सच है कि मैं तुम सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका हूँ। खुशी, ये जो तुम मुझे देख पा रही हो, छू पा रही हो और सुन भी पा रही हो, ये सब इस चश्मे की वजह से हो रहा है। और इसीलिए चश्मा विवान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मेहमान बहुत शक्तिशाली बनकर लौटा है, हम उसका सामना कैसे करेंगे? तो हम बालवीर के शरीर को यहीं कहीं छुपा देते हैं। लेकिन कहाँ पर? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मेहमान की नजर नहीं पड़ेगी? ध्वनि परी, परियो यहाँ। हाँ, यहाँ परियो, हाँ यहाँ यहाँ लेटाओ, आराम से। परियो, हमने बहुत मुश्किल से ये जगह ढूंढी है, लेकिन अगर अगर मेहमान यहाँ भी आ गया तो हम क्या करेंगे? कहाँ छुपी हो परियो, कब तक छुपोगी और कहां कहां छुपोगी? हमें किसी भी हाल में बालवीर के शरीर को बचाना होगा। पर हम क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे? अब जो भी हो जाए परी, भैमार से हम बालवीर के शरीर को बचाकर जरूर आएंगे। हाँ, सिर्फ आगे पीछे ही ढूंढते रहोगे भैमार। ये तो तिमनासा की आवाज है। तिमनासा जिंदा हो गई? पर धोनी परी, तिमनासा इतनी जल्दी कैसे जीवित हो गई? अब बस खुशी वाला चश्मा बचा है और वही असली चश्मा हुई है। ए, वो भाई बहन घर में ही रहते तो खुशी ने उस चश्मे से बालवीर को देख लिया होगा और विवान को बता भी दिया होगा। अगर विवान को बालवीर के बारे में पता चला तो मैं अपना प्लान बी स्टार्ट कर दूंगा और फिर विवान को भी वैसे ही खत्म करूंगा जैसे बालवीर को किया था। आने दो उससे। आने दो क्या? आ गया है। कौन? तुम्हारा पूरा समय।
ये रामो काका ऐसे क्यों डर रहे हैं? जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया। भूत तो तुमने देखा होगा ना जी। रामो काका वो विवान, तुम इनकी चिंता मत करो। पता नहीं रात को इन्होंने कोई डरावना सा सपना देख लिया, इसलिए सुबह से अजीब सी बातें कर रहे हैं। लेकिन तुम यहाँ कैसे? आपके चेहरे पर लगा मास्क जो हटाना था।